इस वक्त हम क्वांट्री रोड पे पहुंच चुके हैं जी। थोड़ी देर के बाद आगे आ जाएगा जी एयरपोर्ट। तो इस साइड पे अभी काफ़ी ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है, क्लियर नहीं हुई है अभी तक। तो टाइम तो सुबह का इस टाइम 11:30 तकरीबन हो गए, तो देखें अभी भी क्लियर नहीं है। मोटरवे पे पता नहीं क्या सिचुएशन होगी, बिजी ना हो मोटरवे तो, किया था अगर क्लियर हो तो ठीक नहीं है, लेकिन देखते हैं सिचुएशन। ट्रैफिक होगी शायद, ट्रैफिक होगी लगता है। तो अभी देखें जी काफी ज्यादा आगे धुंध हो रही है। अभी बर्मिंघम एयरपोर्ट के पास हैं, ये साइड से लेफ्ट साइड पे जो है बर्मिंघम एयरपोर्ट है। तो धुंध आगे इतनी ज्यादा है जी कि आप सिर्फ पास पास देख सकते हैं जी, आगे ज्यादा दूर तक आपको गाड़ी नजर नहीं आ रही। दूर आपको सिर्फ के लिए हमें अभी 12 मिनट। अच्छा, अभी 12 मिनट के बाद हम पहुंच जाएंगे। तो फिलहाल अभी हम तकरीबन पहुंच चुके हैं, लेकिन ट्रैफिक देखें जी काफी ज्यादा धुंध भी है जी, तो ट्रैफिक भी है यहाँ पे। तो पता लगता है कि बिल्कुल धुंध गिरी नहीं है। मोटरवे से तो ठीक ही था जी, क्लियर ही था, इतना ज्यादा कोई ट्रैफिक कोई रुकी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आके जो है ना थोड़ा सा कुछ लग रहा है। आगे चलो देखते हैं जी आगे क्या होता है। तो आगे चेक करें जी, धुंध देखें जी आगे। अभी इतनी ज्यादा धुंध है कि अच्छी तरह से गाड़ी नजर भी नहीं आ रही है आगे। ट्रैफिक बहुत ज्यादा है अभी, स्लो स्लो हम जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह बस पहुंचते हैं। मार्केट के पास आ गए हैं, लेकिन ट्रैफिक काफी ज्यादा है। ये है जी पाकिस्तान केटरिंग, बड़े फेमस है ये वाले जी। हाँ, पाकिस्तान के केटरिंग काफी ज्यादा फेमस शहर में, तो बर्मिंघम से भी यहाँ पास। तो बर्मिंघम में तो पाक केटरिंग है, तो ये है पाकिस्तान केटरिंग। प्यारी स्ट्रीट है जी, बड़ा प्यारा ब्रेड फूड का नजारा। बिल्कुल, इस साइड पे काफी ज्यादा हिल्स हैं जी, क्योंकि पहाड़ी इलाका, ये पूरा पहाड़ी इलाका, इसलिए इधर धुंध ज्यादा। मोटरवे पे हमारे बिल्कुल क्लियर थी, लेकिन यहाँ पे तो काफी ज्यादा धुंध है। ये स्ट्रीट है, इस वजह से यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है मार्केट के पास। बिल्कुल, तो अभी जी ये आ गई है जी मार्केट आ गए। देसी भाई हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो अभी उनसे मिलेंगे, उनसे करेंगे मुलाकात। ये सामने अच्छा जी कार पार्क, आपके कार पार्क पे जी देखें जी कितनी बड़ी पार्किंग है। तो काफी ज्यादा पार्किंग है, लेकिन बिजी है, खाली नहीं है। जी तो दोस्तों हम पहुंचे हैं जी मार्केट में। तो ये सामने है जी मार्केट। तो देसी भाई तो पहले ही आ गए, पहुंच चुके हैं जी मार्केट में। तो मैं और फरहान भाई अभी जाएंगे जी अंदर देखने के लिए। इस साइड पे पीछे पार्किंग थी, पार्क करके गाड़ी तो अभी एंट्री मारेंगे जी मार्केट में ही। ये सामने मार्केट है। तो आज मौसम तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा बिजी है। तो इस मौसम में अगर इतना बिजी है, तो फिर नॉर्मल हालात में कितनी बिजी होगी। डडियाल से किस जगह से? डडियाल ब्लॉट से हम। अच्छा, ब्लॉट ब्लॉट से। बहुत अच्छी लगती है मार्केट,
अच्छा। काफी जो है ना, चलो जी हम भी अंदर जाके देखेंगे, फर्स्ट टाइम आए हैं। फर्स्ट टाइम है माशाल्लाह, इधर काफी आदमी आते हैं, जबलपुर से, ड्यूलबरी से, इधर आगे पीछे से काफी जो है ना बंदे इधर आते हैं। तो बहुत अच्छी माशाल्लाह मक्की रखती है, अच्छी भी आपको जो है ना बहुत अच्छी चीजें मिल जाती है, प्राइस में मिल जाती है, बिल्कुल जायज प्राइस में। आप जो भी चीज लेके ना बिल्कुल जायज प्राइस में। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम सजाद है। सजाद, तो अभी एक भाई मिल गए थे जी, उनके साथ थोड़ी सी गपशप लगाई है, तो अभी चलते हैं जी आगे मार्केट के अंदर, तो वहाँ पे देखते हैं जी कि क्या कुछ हालात हैं। मौसम भी काफ़ी ख़राब है, स्लीपरी बनी हुई है, नीचे बड़ी एहतियात से जाना पड़ता है। तो अभी चलते हैं मरगी की एक बार। तो देसी जी भाई तो पहले यहाँ पे मार्केट के अंदर खो गए, अभी उनको ढूंढना पड़ेगा जी देसी भाई को, तो पता नहीं किस जगह पे खड़े होंगे देसी भाई। तो साथ साथ मार्केट का विजिट भी करते हैं, तो साथ साथ देसी भाई को भी ढूंढते भी हैं। साथ साथ देसी भाई को ढूंढते हैं और साथ साथ आपके साथ शेयर करते हैं जी ये मार्केट भी दिखाते हैं आपको। तो ये देखें जी, ये यहाँ पे कपड़े वगैरह भी बेच रहे हैं। पूरी गलत पूरा एक किस्म का पाकिस्तानी लगा हुआ है।